हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग टॉक टू समो। आज हम आपके पास लेके आए हैं क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश से चैप्टर 15 टू ऑटम। यहाँ पर इसकी इंग्लिश समरी है, जैसे आप देख सकते हैं एक पोइम है, और यहाँ पर इसकी हिंदी समरी है, जैसे देख सकते हैं ऑटम ऋतु को कई तरीके से वर्णन किया गया है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पतझड़ के फलों का मौसम है, यह अंगूर सेब खीरा हेज़लनट आदि के पकने का समय है। यही समय है जब मधुमक्खी यहाँ फिजले फूल मिठास चूसते हैं और शहद तैयार करते हैं। इस तरह पतझड़ को एक ऐसे रूप में चित्रित किया गया है जो धरती पर फूलों की परिपक्वता और कटाई के लिए उन्हें तैयार करता है। दूसरे पद में दूसरा अगर स्टैंजा है उसमें पतझड़ को एक फसल काटने वाली, फसल के अनाज निकालने वाली और अनाज तैयार करने वाली के रूप में बताया गया है। कटाई उड़ाई बिनाई और छटाई सभी फसल में संबंधित प्रक्रियाएं हैं, यह सब बताया है। और यहाँ पर बताया जाए पतझड़ बिल्कुल संगीत ही नहीं है, यदि बसंत का अपना गीत है और तो पतझड़ भी अपनी आवाज़ और अपना गीत है। इस तरह से इसकी विशेषता बताई है पतझड़ के बारे में। और यहाँ पर स्टैंजा दी हैं, पहली स्टैंजा देखिए और एक्सट्रैक्ट इसका देख लेते हैं, एक और यहाँ पर दो, और टोटल दो एक्सट्रैक्ट दी हैं, इनको दोनों को ही समझा देता हूँ आपके लिए। तो देखिए ये पहला एक्सट्रैक्ट है जो कि स्टार्ट हो रहा है सीजन ऑफ मिस्ट से और एंडिंग हो रही है मोस कॉटेज ट्रीज से। पहला क्वेश्चन है हु डज द फर्स्ट लाइन रेफर टू, पहली लाइन किसको रेफ़र कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे द ऑटम सीजन, द फर्स्ट लाइन रेफर टू द ऑटम सीजन। फिर सेकंड क्वेश्चन है डॉट 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 इज बोसम फ्रेंड ऑफ सीजन, सीजन का बोसम फ्रेंड कौन है, द सन, द सन इज बोसम फ्रेंड ऑफ द सीजन। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स सेम एज बिकमिंग परफेक्ट, बिकमिंग परफेक्ट का हो जाएगा मैच्योरिंग। नेक्स्ट है हाउ डज इट प्लान टू फिल द फ्रूट्स, इसका हो जाएगा इट प्लान्स टू फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू कोर। नेक्स्ट स्टेंजा शुरू हो रही है देन इन द वेटफुल चॉयर से और इसकी एंडिंग हो रही है ट्विटर इन द स्काई से। पहला क्वेश्चन है वॉट साउंड ऑफ स्मॉल जेंट ग्नेट्स इज रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन, तो इसका आंसर है मॉर्नफुल साउंड्स। सेकेंड डॉट 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 ब्लिस्ड फ्रॉम हिली नाउन बॉर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा द फुल गाउन लेम्स। फिर है फाइंड वर्ड फ्रॉम द लाइन्स विद सिमिलर मीनिंग टू स्टिल वॉइसेस, स्टिल वॉइस के लिए विशिल हो जाएगा। और फिर है व्हाट डज द रेड ब्रेस्ट डू, रेड ब्रेस्ट एक पक्षी का नाम है, वो क्या करता है, तो ये पोएम में मिल रहा है द रेड ब्रेस्ट विशिल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 60 वर्ड्स के आ गए यहाँ पर, और टोटल क्वेश्चंस देख लेते हैं, टोटल है 60-70 वर्ड के दो तीन क्वेश्चन है, और 60 वर्ड के क्वेश्चन की तरफ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड द ऑटम प्लान टू डू विद द कॉटेज ट्रीज, देख लेते हैं, वैसे कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं इसमें निशान लगा देता हूँ, आप इसको लर्न जरूर कर लेना। क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑटम प्लान टू डू इन द कॉटेज ट्रीज, कॉटेज ट्रीज के साथ में ऑटम क्या करने की कोशिश करता है, क्या योजना बनाता है। द ऑटम प्लान्स टू बोन अ कॉटेज ट्री विद एप्पल्स एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर, ऑटम चाहता है कि एप्पल ट्रीज के साथ में से बांध कर कॉटेज ट्रीज को और सारे उनकी पकावट है उसको भर उससे भर देना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू स्मेल स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विद अ स्वीट क्रैनल हीयर, द पोइट प्रेजेंट्स अ लाइवली एंड सेंस पिक्चर ऑफ सीजन, सीजन का एक जीवित जीवंत दिशा और पिक्चर चित्रण चरित्र चित्रण करता है कवि। द ऑटम एंड द सन वर्क टुगेदर फॉर राइपनिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ऑटम और सूर्य जो है दोनों के दोनों फल को पकाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑटम इंटेंड टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसे छोड़ देता हूँ। फिर हाउ आर द हनी कॉम्स आफ्टर समर एंड हाउ डू बीज फील,
तो इसको भी देख लेते हैं। वैसे ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। और हाउ आर द हनी कॉम्स आफ्टर द समर एंड हाउ डू द बीज फील, इसमें पूछा गया हनी कॉम्स मतलब शहद के जो छत्ते होते हैं वो किस तरह से आफ्टर द सब गर्मियों के बाद में किस तरह से बी मधुमक्खियाँ फील करती हैं, और किस तरह से उसको गर्मियों के बारे में हनी कॉम जो है शहद के छत्ते पड़ते हैं। आंसर द बीज हियर प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड कंटिन्यूएशन ऑफ समर, यहाँ मधुमक्खियाँ जो हैं गर्मी के कंटिन्यू लगातार होने को वर्णन कर रही हैं। फॉर द बीज देयर फॉर द वार्म डेज समर हैव नॉट एंडेड, बीज के लिए मधुमक्खियों के लिए गर्मियों के दिन अभी भी गुजरे नहीं हैं। द स्टिकी सेल्स ऑफ हनी कॉम्स आर फिल्ड टू ओवर फ्लोइंग विद हनी एंड येट ऑटम प्रोवाइड्स मोर फ्लावर्स इन केस बीज मे लाइक टू ड्रॉ मोर स्वीटनेस फ्रॉम देम, मधुमक्खियों को फूलों से और ज़्यादा मधुरता प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ऑटम बी सीन एज अ हार्वेस्टर, ऑटम को हार्वेस्टर के रूप में कैसे बताया गया है, तो देख लेते हैं। द पोइट हैज पर्सनिफाइड ऑटम इन वेरियस फॉर्म्स, ऑल द फॉर्म्स आर परफेक्ट एंड रियलिस्टिक, पोइट ने कई रूपों में ऑटम को वर्णन किया व्यक्तिकरण दिया है और सारी जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रियल लगती हैं और पूर्ण लगती हैं। ऑटम इज सीन एज अ हार्वेस्टर, ऑटम को हार्वेस्टर के रूप में बताया गया है। ही इज सिटिंग केयरलेसली, वो लापरवाही से बैठा है इन द फील्ड खेत में ड्यूरिंग द विनोइंग ऑपरेशन, जब विनोइंग का ऑपरेशन होता है जब हार्वेस्ट की जाती है फसल उस एरिया को कहा जाता है। विनोइंग मतलब धूल उड़ाने वाली स्थिति जिसमें गेहूं को और किसी भी फसल को ऊपर से नीचे पटका जाता है जिससे उसका जो भूसा निकल जाता है उसको कहते हैं विनोइंग, उस क्रिया के रूप में ऑटम को बताया। हियर द पोइट यूजेस ऑल द इमेजेस टू मेक द पिक्चर क्लियर, पिक्चर को इस चित्र को साफ दिखाने के लिए वो कवि ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। द ऑटम इज शोन सिटिंग केयरलेसली, ऑटम को बताया गया लापरवाही से बैठे हुए ऑन द ग्रेनी फ्लोर, हरियाली भरे फ्लोर पर। हिज हेयर इज सॉफ्ट लिफ्टेड बाई विनोइंग विंड, ही इज समटाइम्स इन साउंड स्लीप एंड हाफ रिप्ड फरो, वो कभी कभी गहरी नींद में है कभी कभी जगा हुआ था सा लगता है। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द अर्थ सन एट सनसेट, सूर्यास्त के समय पृथ्वी का जो दृश्य है उसको वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की कंडीशन पर रख लेते हैं। कीट सर प्रेजेंटेड हिज कीन ऑब्जर्वेशन विद ऑल मिनट डिटेल, हर क्षण की डिटेल को वर्णन बताने करने के लिए कील्स यहाँ पर सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है। कील्स मतलब राइटर पोइम पोइट इसका। द होल पोइम डेमोन्स्ट्रेट हिज इंटरेस्ट इन नेचर, पूरी कविता जो है कवि की प्रकृति के प्रति जो रुचि है उसे बताता है बताती है। वाइल डिस्क्राइबिंग द सीन एट सनसेट, सूर्यास्त के दृश्य को जब वो वर्णन कर रहा है। ही सेज दैट इन द इवनिंग व्हेन द क्रिम्सन लाइट ऑफ सेटिंग सन फॉल्स अपॉन द स्टेबल फील्ड द कोरस ऑफ नेचुरल साउंड इज हर्ड, वो कहता है कि जब शाम के समय में लालिमा सी छाती है खेतों पर उसी समय में संगीतमय संगीत का कोरस सुनाई देता है, एक मिला जुली मिले हुए गानों की आवाज़ सुनाई देती है। द पिक्चर इज़ वेरी अपीलिंग, जो सीन जो है बहुत ज़्यादा अपीलिंग है आकर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द स्मॉल क्नेट्स सिंग फ्रॉम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे छोड़ देता हूँ। फिर डू यू फाइंड रिकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है हाउ डज द पोइट एड्रेस ऑटम, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं बता देता हूँ। हाउ डज द पोइट एड्रेस ऑटम, कवि किस तरह से ऑटम को एड्रेस करता है संबोधित करता है। द पोइट प्रेजेंटेड अ लिवली पिक्चर ऑफ ऑटम, कवि जो है एक लाइवली जीत जागती चित्र दिखाता है ऑटम का। ही एड्रेसेस द ऑटम एज अ सीजन ऑफ मिस्ट
एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कभी इसे सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस के नाम से पुकारता है। द ऑटम इज सीन एज अ पर्सन इन वेरियस रोल्स, यहाँ पर ऑटम को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि विभिन्न रोल अदा कर रहा है, भूमिकाएं अदा कर रहा है। रोपर, वाइनोवर, क्लीनर एंड सिडार मेकर, जो कि रोपर है, वाइनोवर है और सिडार मेकर है। सिडार मतलब जूस निकालने वाला है, रस निकालने वाला है, शहद बनाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 to 100 वर्ड्स की तरफ। प्रूव दैट ऑडिट टू ऑटम इज़ अ सॉन्ग ऑफ राइपनेस एंड एबिडेंस, फिर लिखा हुआ है व्हाट आर टू फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन ऑटम, और फिर उसके बाद है व्हाट आर द इमेज ऑफ पर्सनिफिकेशन थ्रू विच ऑटम हैज़ बीन पिक्चराइज्ड, फिर है इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट सेज, उसके बाद है कीट्स इज द मास्टर ऑफ वर्ड पिक्चर्स, एक्सप्लेन सम ऑफ द वर्ड पिक्चर्स फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और लॉन्ग आंसर टाइम में, लेकिन आपको ज़्यादा इनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको केवल एक या दो ही क्वेश्चन बताता हूँ, अगर इसमें से आना होगा तो आप वही क्वेश्चन लिखेंगे और वही क्वेश्चन वैसे आना होगा। और इसमें पहले क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर फोर इमेजेस ऑफ पर्सनिफिकेशन, यहाँ पर एक व्यक्तिकरण दिया है ऑटम को, तो ये क्वेश्चन आप समझ लें और ये क्वेश्चन ही आप एक ही क्वेश्चन को हर कंडीशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इसे लिखेंगे तो आपको, वैसे तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो लॉन्ग आंसर टाइप कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो इस आंसर को लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फुल नहीं मिलेंगे, एक दो मार्क्स कट भी जाएंगे। अगर फोर मार्क्स का आएगा तो थ्री तो 100% मिल ही जाएंगे और फोर भी मिल जाएंगे, पूरी कोशिश, अगर फोर भी मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत कम कंडीशन बनती है जहाँ पर एक मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर इसका आंसर को समझ लेते हैं। द पोइम ऑडिट टू ऑटम प्रेजेंट्स, इस पोइम का नाम है ऑडिट टू ऑटम प्रेजेंट्स ऑटम विविड इमेजेस, यहाँ पर ऑटम पतझड़ की विभिन्न इमेजेस की बात प्रस्तुत होती है। द पोइट पर्सनिफाइज इन इट इन फेयर इमेजेस ऑफ वाइनोवर, अ रीपर, अ ग्लीडर एंड द डानबेकर, यहाँ पर व्यक्तिकरण दिया है, व्यक्ति के रूप में बताया है, उसकी चित्रण किया है, वाइनोवर कहा है, रीपर कहा है, ग्लीनर कहा है और सिडार मेकर कहा है। ऑटम इज सीन एज अ वुमन हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ वाइनोइंग, यहाँ पर ऑटम जो है एक महिला के रूप में बताया है जो कि वाइनोइंग का काम करता कर रही है। रीपिंग, ग्लीनिंग एंड सिडार प्रेसिंग, रस निकालने का काम कर रही है और रीप फसल रीप कर रही है। One can see the woman, i.e. autumn, into a fields engaged in the winnowing operations while breeze ruffles the lack of hair. यहाँ पर एक लड़की की तरह पेश किया है, यहाँ winnowing का काम कर रही है, मतलब फसल को उड़ाने का काम कर रही है, भूसा उड़ाने का, जिससे उसके बाल भी उड़ रहे हैं। This is the first image of autumn. Autumn का की पहला चित्रण यह किया है। Second one may be autumn in the फॉर्म ऑफ रीपर, दूसरे रूप में रीपर के रूप में उसे प्रयोग बताया गया है। हु हैज़ बीन एंगेज इन द रीपिंग कॉर्न बट इज सो ओवरकम बाय स्लीप इंड्यूइंग स्मेल ऑफ पॉपीज, लेकिन वो अपने काम में इतनी व्यस्त है जो कि अब सोना भी भूल चुकी है। विच हैम्पर्स द नेक्स्ट रो ऑफ कॉर्न दैट रिमेंस अनरीप्ड, थर्ड ऑटम में बी सीन इन इमेज ऑफ ग्लीनर हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द स्टिली विद वेट ऑल्सो ऑफ ग्रेन्स अपॉन हर हेड क्रॉसिंग द स्ट्रीम। फाइनली सेकेंड में ग्लीनिंग के रूप में बताया गया है उसको। फाइनली ऑटम में ऑल्सो बी सीन इन द इमेज ऑफ वन हु क्रशिंग द राइप एप्पल्स इन द वाटर प्रेस एंड ऑब्टेन द देयर जूस फ्रॉम विच अदर सिडार इज टू मेड, अंत में उसे रस निकालने वाले के रूप में पेश किया गया है जो कि शहद निकालने का काम करती है छत्तों से, मधुमक्खी के छत्तों से। दिस वुमन सिट्स बाय द सिडार प्रेस, सिडार प्रेस पर वो बैठती है एंड वॉचेज पेशेंसली
द एप्पल जूस स्लोइंग आउट ऑफ द प्रेस ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एप्पल से भी रस निकालने का काम कर रही है और एक एक बूंद जो एप्पल से सेब से गिर रही है उसको बड़े धैर्य से देखती जा रही है।